कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है। तेजी से बढ़ते इसके मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ठंड के मौसम में सर्दी खांसी और ओमिक्रॉन से बचने के लिए शरीर के अंदर को मजबूत बनाना जरूरी है। आपका शरीर इन संक्रमण से तभी बचा रह सकता है जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। इम्यून सिस्टम की मजबूती पूरी तरह से आपके खान पान पर निर्भर करती है। अगर आपको इस इन्फेक्शन से दूर रहना है तो ये 5 चीजें जल्द खाना शुरू कर दें। विटामिन सी वाली चीजें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में विटामिन सी की अहम भूमिका है। खट्टे फलों में खूब सारा विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद, संतरा, आंवला, बेरी जैसे खट्टे फलों को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। दही। स्टडीज के मुताबिक हर दिन दही खाने वालों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। दही विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है जो इम्यून सिस्टम की क्षमता को बढ़ाए रखता है। ये शरीर को नेचुरल तरीके से बीमारियों से बचाता है। दही में चीनी बिल्कुल भी न डालें, इसे बिल्कुल सादा खाने की कोशिश करें। पपीता। पपीते में भी विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पपीता खाने से पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। पपीते में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है। यह सारी चीजें शरीर के अंदर से मजबूती देती हैं। चिकन फिश। अगर आपको तेज सर्दी जुकाम है तो चिकन आपको तुरंत राहत देगा। चिकन में खूब सारा विटामिन B6 पाया जाता है। ये शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। चिकन में पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वहीं फिश में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड कई बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। बादाम। सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर में विटामिन ई होना जरूरी है। बादाम में विटामिन ए के साथ साथ मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। विटामिन से भरपूर बादाम में हेल्दी फैट भी होता है। आधे कप बादाम से आपको लगभग 100% विटामिन ई मिल सकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।